फाइनली गाइस मैंने भी अपने लिए थोड़े से इकट्ठे कर लिए, अपन तो ज़्यादा नहीं खाएंगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी का माहौल ये है बाहर देखते हुए, क्या बाहर देख के बताया यार तुमको। अभी सुबह के 8 बजे है और आज थोड़ा कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ मैं आप सभी को मेरे व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं सिंदे झोड़ने। क्या झोड़ने? सिंदे, हाँ सही सुने हो, मधुमक्खी का छत्ता झोड़ने नहीं जा रहे, सिंदे झोड़ने जा रहे। बहुत दिन हो गए गाइस सिंदे खाए हुए के। खैर मैं तो जाता रहता हूँ, बट वो जिस तरह से इकट्ठे करके घर लाते हैं ना, ऊपर से चढ़ के तोड़ के, उस हिसाब से आज गए हैं मेरे घर से। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। वो तो 5-10 मिनट पहले ही निकल लिए, मैं तो अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले उठा हूँ, मस्त ब्रश किया हूँ। और मुझे भी पता चला कि चलो सिंदे छोड़ के लाते, बोले अचानक सुबह सुबह। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अपना एक ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा इसी बीच। तो ये तो अभी चले गए हैं वहाँ सिंदे के, वहाँ मुझे दिख रहे हैं यहीं से। तो चलो देखते हैं कैसे क्या चढ़ के तोड़ते हैं, इकट्ठे करते हैं, अपन भी खाते हैं। बाय बाय, है ना। तो गाइस फाइनली मैं इनके पास आ गया हूँ और इन्होंने सिंदी को झोड़ लिया है और अभी इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ ये देखो, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी इधर सिंदे इकट्ठे कर रही है। और ये देखो, ये दिखे दुपट्टे पे सिंदे, ये वन वहीं से उठा के खा लेते एक दो। ये अनिता, ये मम्मी उधर पीछे, दो भाई और बैठे झोड़ने वाले, इधर सिंदी जिस पर के लगे हुए बहुत सारे सिंदे, पर तुमको दिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें काटे इतने हैं। जल्दी है चुई, बोकड़ा आए आज सब खाई जाएगा। ये गाइस कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। गाइस चलो अपन भी अपने लिए इकट्ठे कर लेते, थोड़े से सिंदे अपन भी खाएंगे। चलो गाइस मैंने भी अपने लिए थोड़े से इकट्ठे कर लिए, अपन तो ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि अपन तो डेली खा रहे। तो बट आपको एक बात बताऊँ तो इनका टेस्ट बहुत ही शानदार है। मतलब ये जो वाली है ना, एक नंबर है, एकदम कड़क माल है, मज़ा आ जाएगा तुमको खा के, एकदम शानदार। तो चलो गाइस यहाँ का तो हो गया, आप दूसरे सिंदे को झोड़ने जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं, तुमको दिखाऊंगा वो झोड़ पे से किस हिसाब से झोड़ रहे हैं। देखो ये चले सब, ठीक है अपन तो बहुत दूर है, दूर नहीं पास में ही है, बट कैमरे में थोड़ा दूर दिखता है, कुछ भी बोलो ना लगता है कि हाँ थोड़ा सा। फाइनली गाइस ये अपन आ गए सिंदे के पास में, और देखना अभी दुपट्टा बिछा दे ताकि सिंदे गिरेंगे तो डायरेक्ट इस पे गिरेंगे, तो ज़्यादा इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंदी है तो भयंकर तरीके से सिंदे लगे हुए, बट वो उनके कांटों की वजह से तुमको दिखेंगे नहीं। मज़ा आता है। इधर पास में रुकड़ा, गाय भेल भैंस का डंग यहाँ पे लाके इकट्ठा करते, फिर इसको सड़ाने के बाद में खेत में डालते, बहुत शानदार खाद बनती है देसी। ये सिंदे गिर रहे भयंकर तरीके से, दिख रहा है आपको एकदम कट्टा। चलो पास में जाके दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, इनको थोड़ा हिला लें दो, इकट्ठे हो जान दो, फिर अपन भी थोड़े बहुत इसके टेस्ट कर लेते हैं कैसे क्या लगते हैं। फिर वो तो बहुत शानदार इसका कड़क है, पर फिर भी ट्राई तो करना पड़ता है ना। इनका हो गया है, इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और अभी थोड़े से बचे हैं, वो भी इकट्ठे कर रहे हैं। और इसी के पास में एक जामुन का पेड़ है, देखो ये
अभी इस पर जामुन नहीं लगे, फूल आ गए हो और धीरे धीरे लगने की तैयारी में है। अपन भी यहाँ पे आके मस्त खाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे वहाँ का भी अपन एक ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे, आपको मैं बताऊँगा। ठीक है गाइस, का बस थोड़ा सा और फिर चलते हैं अपन। फाइनली गाइस इनका हो गया और अभी ये चले घर पे। ये तो ऐसे ही बैठे रहते, इनका कोई काम नहीं है। मम्मी नानी तन गए, अपन भी चलते हैं घर। फाइनली गाइस अपन आ गए हैं घर पे। इधर बैठी अपनी दादी जी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरा कोई सा भी व्लॉग आए तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को मिस आउट ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।